हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लेरआउट्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन होती है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। मतलब आप देखोगे कि क्या कर रहे हैं इसमें, मजाक है ये, ठीक है। तो बहुत ही इजी सी चीज़ है, बाकी कुछ इसमें इतना खास नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, बोल रहे हैं कि जब भी आपको इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाए, कैसी, कि वाई इज इक्वल्स टू लिखा हो एक्स इंटू पी प्लस, और यहाँ पर पी का ही फंक्शन होना चाहिए। मतलब ये जो एफ ऑफ पी है, ये जो एफ ऑफ पी है, इसमें केवल पी होना चाहिए। मतलब ना तो एक्स होना चाहिए और ना ही वाई होना चाहिए। अब ये पी क्या है, पी है डी वाई बाई डी एक्स। पी क्या होता है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन लिखी है एक्स इंटू, केवल एक ही एक्स होना चाहिए, यहां पर एक्स स्क्वायर भी हो गया तो आप ये नहीं लिखोगे, तो ये एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी का फंक्शन। पी का फंक्शन मतलब एफ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू, इस तरह का कुछ भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें एक्स और वाई नहीं होने चाहिए, एक्स इंटू समथिंग वाई इंटू समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का ही फंक्शन होगा केवल, ठीक है। जैसे मान लो एफ एक्स क्या लिखते हो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है, आप इसको ही तो एफ ऑफ एक्स लिखते हो। अगर मैं यहाँ पर टू वाई भी लिख दूँ तो क्या इसको एफ एक्स लिखना सही होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा, गलत है ये 2y। अगर 2y आ रहा है तो ये केवल x का फंक्शन कैसे हुआ, y भी आ रहा है ना इसमें, तो एफ ऑफ एक्स वाई हुआ ही, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये फंक्शन है हमारा एफ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसमें केवल डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्लियर आउट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे देते हैं, कुछ नहीं करना, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह c लिख दो, dy by dx की जगह c लिख दो, जहां पर c क्या होगा आपका एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो आप देख रहे हो x, यहां पर p की जगह क्या लिख दिया हमने c, मतलब dy by dx की जगह c, और इधर भी dy by dx की जगह क्या लिख दिया c, बस ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y is equals to x into dy by dx plus sin dy by dx plus 2। कुछ भी नहीं करना है, dy by dx को c से रिप्लेस कर देंगे, c से रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, y is equals to x into dy by dx की जगह c plus sin, ये f of dy by dx है, तो यहाँ पर c plus 2, बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो c क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो y is equals to cx plus sin c plus 2। तो ये हुआ हमारा क्लियर आउट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इजी सी टॉपिक थी। यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ पूरा कैलकुलस भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो देखो कोई भी थ्योरी आपको समझ में नहीं आने वाली, तो थ्योरी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलस। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट वी विल सी इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।